हेलो गाइस, सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और भाई ये देख लो, इनकी वीडियो बन रही है। भाई क्या करना चाहते हो वीडियो बना के? भाई यार इंट्रो भी नहीं करने दे रहे। हाँ दोबारा चलाऊं बोला राज, ये ले लैपटॉप। भाई ये देखो, ये क्या सुन रहा है? ले बेटे बाहर चला जा, फटाफट भाग जा, फटाफट बाहर जा। भाई किससे कर रहा वीडियो कॉल? है भाई लॉक क्यों कर रहा? भाई मैं तो कुछ भी नहीं कर रहा। स्क्रीन लॉक क्यों कर रहे हो? भाई मैं तो कुछ भी नहीं कर रहा। भाई तो रात के बज रहे हैं 10:30 और सुबह से हमने नहीं करी वीडियो स्टार्ट, क्योंकि भाई कल रात से थी तबीयत खराब, है ना। तो आज हमने ले लिया था वर्क फ्रॉम होम। भाई क्या करा जाए इसके साथ। ओए बदमाश डिस्टर्ब कर रहा है, हैं? अबे रहते भाई वीडियो बनाने दे यार। तो भाई अब रात के 10:30 बज रहे हैं, बाहर कहीं जा नहीं सकते, है ना। भाई रात के 10:30 बज रहे हैं गाइस, तो मुझे भी नहीं पता था 8:40 हो रहे हैं, 10:40 हो रहे हैं। पूरे दिन से तो कुछ दिखाया नहीं, तो हम सोच रहे हैं कि आज Q&A करते हैं। जो आप क्वेश्चन पूछते हो ना मेरे से सबसे ज्यादा, है ना भाई। तो मेरे पास जो क्वेश्चंस आते हैं उसके मैं दूँ आपको रिप्लाई। सबसे पहला कि भाई आपका रोल क्या है? भाई मेरा रोल है प्रोसेस एसोसिएट का, ठीक है भाई। और जैसे जैसे याद आते रहेंगे ना वो कट कर करके मैं दिखाता रहूँगा आपको। और दूसरा आता है भाई, क्या जेनपैक्ट फ्री में मील प्रोवाइड करती है? नहीं भाई, आपको पे करना पड़ता है खुद से, या तो बाहर जाके खाओ या अंदर कैंटीन से या नीचे रेस्टोरेंट से, ठीक है। तो भाई मेरे नेक्स्ट क्वेश्चन था कि जेनपैक की शटल क्या सबके लिए है? हाँ तो भाई जेनपैक्ट की शटल जो भी उनके एम्प्लॉयज़ है, चाहे वो न्यू जेनर्स हो चाहे कितने भी पुराने विंटेज हो, सबके लिए है और फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप डायरेक्ट बोटैनिकल पे जाओ और बोटैनिकल पे जाने के बाद डायरेक्ट आपको पता चल जाएगी कि वहाँ पे उनकी शटल खड़ी है, जाके अंदर बैठ जाओ, ठीक है। ना आपको कुछ दिखाने की ज़रूरत, ना आपको कुछ बोलने की ज़रूरत, बस आप शटल पता कर लो कि हाँ जेनपैक्ट की है, बैठ जाओ। आते वक्त भी यही सीन है और जाते वक्त भी यही सीन है। और भाई इसके बाद क्वेश्चन आता है कि भाई अप्लाई कैसे करें? या तो भाई आप naukri.com पे या genpact.careers पे जाके जो भी जॉब रोल के लिए आपको अप्लाई करना है उस पर आप अप्लाई कर दो। और भाई इसमें एक और क्वेश्चन आता है कि यार भाई एक महीना हो गया अप्लाई कर रखा है, कुछ रिप्लाई नहीं आ रहा। भाई मास हायरिंग चल रही है, ठीक है। तो भाई मास हायरिंग चल रही है, कम से कम उनकी मेल आने में आपको लग सकते हैं कम से कम बताऊँ तो 20 दिन, 15 से 20 दिन पहली मेल आने के लिए, कि जब वो आपको बताते हैं कि आपका रिज्यूमे शॉर्टलिस्टेड हो चुका है, आप कैसे से इंटरव्यू या जो भी एग्ज़ाम के रिगार्डिंग कुछ भी मेल आ सकती है। तो इतना टाइम मिनिमम मान के चलो, ठीक है। और भाई एक क्वेश्चन ये था कि जेनपैक्ट में क्या फॉर्मल वियर्स ही अलाउड है? नहीं भाई, इसमें कैजुअल वियर्स भी अलाउड है। कैजुअल में भी मतलब कि आपको शर्ट पहननी है, नीचे जीन्स पहननी है। जीन्स वैसी नहीं होनी चाहिए कि फेडेड या फटी हुई सी जो चलता है ना डिज़ाइन, नॉर्मल डिसेंट जीन्स और शर्ट और टी शर्ट में विद कॉलर, जिन्हें पोलोज भी बोलते हैं ना हम, कॉलर वाली, मतलब ऐसी जैसे मैंने ही पहन रखी है ना, ये अलाउड नहीं है वहाँ पे। और भाई नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि कईयों का कि भाई कल ऑनबोर्डिंग है तो हमें वो कब मिलेगा, उसमें वर्क फ्रॉम होम? तो भाई वर्क फ्रॉम होम डिपेंड करता है आपके प्रोसेस पे। तो भाई मेरे साथ कैसे नहीं हुआ था, मुझे तो नेक्स्ट डे से ही बुला लिया था और मुझे मिलेगा वर्क फ्रॉम होम 6 महीने बाद, वो भी प्रॉपर नहीं, सिर्फ हाइब्रिड। हाइब्रिड में क्या होता है कि ऑफिस में 2 दिन जाना होता है, बाकी दिन घर से, ठीक है। और जो मेरे साथ मेरे ऑनबोर्डिंग वाले दिन एक दोस्त बना था, उसका क्या था 2 महीने तक उसकी ट्रेनिंग वगैरह सब कुछ उसकी घर से ही हुई है, मतलब वर्क फ्रॉम होम ही मिला है उसे। तो भाई वो आपकी किस्मत पर डिपेंड करता है कि आप कौन से प्रोसेस में जा रहे हो, आपको प्रोसेस ने अलाउड कर रखा है वर्क फ्रॉम होम या नहीं, या फिर आप जब प्रोडक्शन में आ जाओगे प्रॉपर, जब भी आपको हाइब्रिड मतलब वर्क फ्रॉम होम मिलता है, ठीक है। लो भाई पराठा आ गया। किस में लेके आए? लेके दूसरा, चल जा जल्दी लेके आ, फटाफट जल्दी जा, दूसरा लेके आ जल्दी, फटाफट जा फटाफट। और भाई नेक्स्ट क्वेश्चन आता है मेरे पास कैब के ऊपर कि कैब फैसिलिटी क्या है जेनपैक्ट में, ठीक है। तो भाई कैब आपको मिलती है ओनली वन साइडेड,
वन साइड भी नाइट शिफ्ट वालों के लिए, कि मतलब कैब स्टार्ट होती है 8 बजे से, रात के 8 बजे से स्टार्ट होती है और सुबह के 5-6 बजे तक होती है शायद, और सिर्फ वन साइडेड मिलती है, या तो आप जाते वक्त ले लो ऑफिस या ऑफिस से आते वक्त ले लो। तो भाई मैं रिकमेंड करूँगा कि जिस टाइम तक आप ऑफिस जाओगे ना, जिस टाइम तक आप ऑफिस जाओगे उस टाइम तक पब्लिक कन्वेंस चलते रहते हैं, मेट्रो बसेस सब कुछ, तो आप वो यूज़ कर लो। पर आते वक्त जब आप ऑफिस से आओगे रात को 2:30-3 बजे होंगे, ना मेट्रो चलती ना कुछ, और सेफ भी नहीं है, तो आप आते वक्त कैब यूज़ कर लो, जिसका चार्ज पड़ता है 900 रुपीज़ पर मंथ। मतलब अप्रोक्स मैंने अभी तक ट्राई नहीं करी, पर मुझे पता है तो इतना ही चार्ज पड़ता है, 900 के आसपास ही, या 900 इतना ही, ठीक है। क्या हुआ? लो भाई खाना, आकर फटाफट आकर दे, भाग जा फटाफट। भाई इसकी चाल देखना, ये देखो। पूरे मजे कर रहा है जी। आओ ब्रांच, ओए ब्रांच, ये लो ले आओ, भाग क्या भाग क्या, आएगा पाला। भाई बहुत एक्टिव है, बैठो इधर लो, खा ले। ये सारा खिलाया गया, चुप जाइए। और भाई नेक्स्ट क्वेश्चन था कि बैकग्राउंड वेरिफिकेशन क्या ऑनबोर्डिंग के बाद भी चलती रहती है? तो भाई बैकग्राउंड वेरिफिकेशन ऑनबोर्डिंग के बाद भी चलती रहती है, क्योंकि जब मैं ज्वाइन हो गया था, मुझे हो गए थे 10-15 दिन जेनपैक में, उसके बाद वो फिजिकली मेरी प्रीवियस कंपनी में गए थे, वहाँ पर पूरा परफॉर्मा लेके, कि जो जो मैंने बताया था ना कि इतनी मेरी सैलरी है, इतने टाइम मैंने काम किया है, और ये पूछा था कि वर्क बिहेवियर कैसा है, और मतलब जो भी पूछना होता है कि परफॉर्मेंस कैसी है, बिहेवियर कैसा है, इतनी सैलरी थी, इतने महीने थे, ये सब कुछ उन्होंने फिजिकली जाके कंफर्म किया था वहाँ पे। इनकी भी कोई हायर करी हुई कंपनी है, वो लोग जाते हैं, तो बैकग्राउंड वेरिफिकेशन आफ्टर जॉइनिंग भी चलती रहती है। लो भाई, तो अभी हम जा रहे थे घर के लिए, आइसक्रीम लेने के लिए मन कर रहा था, वो आती है ना इसकी मदर डेयरी की रबड़ी कुल्फी वो। तो भाई आज का बस ये इतना छोटा सा व्लॉग बना है, जितने क्वेश्चन आंसर मुझे याद आए मैंने आपको बता दिए भाई, ठीक है। आगे आएंगे तो वीडियो के बीच बीच में या एक और सेपरेट वीडियो बना दूंगा उसके लिए भी। बाकी आपको कुछ पूछना हो तो इंस्टाग्राम का हैंडल आपको मेरा पता ही है, _ASHU_PANWAR_ इंस्टाग्राम पे, आप वहाँ पे पूछ लेना भाई, एक्टिव रहता हूँ मैं, आपको हाथों हाथ रिप्लाई दे दूँगा। तो इसी वीडियो को आज यहीं ख़त्म करते हैं, अगर वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो, कुछ भी बुरा लगा हो, तो भाई वीडियो में कमेंट करके बताना, वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ठीक है। तो टाटा बाय, गुड नाइट।